सॉल्यूशन टाइम प्रिंटर डिजाइनर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंट मर्ज कैसे काम करता है। सबसे पहले फाइल में जाए, प्रिंट मर्ज पे जाए। प्रिंट मर्ज पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट फील्ड नहीं, न्यूमरिक फील्ड पे कोई भी लिख दें, एनी नंबर मैं कर देता हूँ। फिर इसके बाद इसको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद एनी नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद ये वाला ऑप्शन हटा दें, उसके बाद 0001 वाली सीरीज में ले लें। नंबर 1 से स्टार्ट करना है मुझे, 1 से 50 तक लेकर के जाना है। नेक्स्ट पर जाएँ, नेक्स्ट पर जाने के बाद दोबारा फिर नेक्स्ट पर जाएँ। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं कर छेड़ना है, आपको इसको सिंपली फिनिश कर दे। फिनिश करने के बाद आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर डायलॉग बॉक्स आया, नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिंट मर्ज पे क्लिक करें। जहाँ भी आप रखेंगे वहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्रिंट के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ से आप प्रिंट देंगे। प्रिंट देने के बाद जैसे ही आप प्रिंट देंगे तो 1 से 50 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैं प्रिंट प्रीव करके आपको दिखा देता हूँ, ये 1 से 50 तक आया है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से बैक जाएं, यदि आप कहीं और प्रिंट कराना है या 50 के 50 पेज आपको चाहिए, फाइल प्रिंट में जाएं, फाइल प्रिंट मर्ज पे जाएं, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें तो 1 से 50